सो मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर का मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है और जब आईपीओ आया था 2019 में अप्रैल 2019 के बाद पे कोविड आ गया और कोविड के बाद जो बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिला था और जैसे ही केसेस घटने लगे ये स्टॉक का प्राइस भी ग्रेजुअली बहुत ही कम हो गया है राइट right? सो so, उसके आई के प्राइस पे ही ये स्टॉक्स मिल रहा है सो so, समवेयर आप लोग देखोगे तो 2019 में जो प्राइस था वो प्राइस आपको 2023 में वो स्टॉक्स मिल रहा है तो चार साल हुआ क्या कुछ नहीं किसी ने होल्ड करके रखा तो कुछ नहीं मिला राइट अभी ऊपर के लेवल से आप लोग देखोगे तो स्टॉक कितना नीचे है 63 परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है कितना डिस्काउंट गाइस सिक्सटी का अब जिस तरह के यहाँ पर चार्ट के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चार्ट के स्ट्रक्चर ठीक ठाक बने हुए हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बट रिसेंटली आप लोग देखोगे तो स्टॉक के अंदर हिलचाल हमें देखने को मिला ही नहीं है राइट सो यहाँ से ये स्टॉक्स नीचे जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए मैं बाय कब करना इस स्टॉक के अंदर पसंद करूँगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज़ मैं थोड़ा महंगा लेना का पसंद करूँगा ये स्टॉक क्योंकि ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल पर बाई करने का मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैं कन्फर्मेशन लेवल का एक वेट कर रहा हूँ और मैं जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ वो एक छोटा कन्फर्मेशन लेवल है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव जो बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी के लोग हैं उनके लिए ये कन्फर्मेशन लेवल है ठीक है और जो बहुत ही कंजर्वेटिव खिलाड़ी है उनके लिए कंफर्मेशन लेवल है 1,450 का सो so, ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो कंफर्मेशन लेवल के ऊपर ही लेना चाहिए आप लोग ऐसा मत सोचो कि ऊपर के लेवल से हमें इतना सस्ता मिल रहा है बट अगर प्राइज एक्शन नहीं हुआ तो और भी सस्ता मिल सकता है राइट बट एक बार चार्ट्स के ऊपर रिवर्सल आ गया ट्रेंड रिवर्सल आ गया फिर स्टॉक के अंदर बाइंग भी हमें देखने को मिलेगा और हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है राइट सो so, जिस तरह से मैंने बताया है कंफर्मेशन लेवल वो कंफर्मेशन लेवल के ऊपर आप लोग जरूर से काम कीजिएगा और जो भी लोगों को कंजर्वेटिव अरे अग्रेसिव कंफर्मेशन लेवल बताया है वन उस टाइम पे आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉपलस मेंटेन करना पड़ेगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का और जब भी आप लोग वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी के ऊपर बाय करते हो तो उस टाइम पे आपको सौ रुपये का रिस्क लेना पड़ेगा और आपके लिए स्टॉपलस हो जाएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी का बट चार्ट का स्ट्रक्चर बनने दो स्टॉक को ऊपर जाने दो उसके बाद ही आप लोग काम करके देखिएगा दोस्तों